तो गाइस आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं हमारे पास सोलर पैनल का कितना कलेक्शन है। तो हम आपको इसके अंदर ही बताएंगे सोलर पैनल का यूज कहां कहां पे कर सकते हैं, ये कितने वोल्टेज तक के हैं। और तो इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के लिए आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताते हैं हम आपको हमारे कलेक्शन सोलर पैनल, तो चलो चलते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास है ना छोटे से छोटा लेकर सबसे बड़ा तक सोलर पैनल है। तो आपको मैं यहाँ से सबसे पहले इस छोटे से सोलर पैनल के बारे में बताना चाहूंगा जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। आप इसकी साइज से अंदाजा लगा सकते हो ये कितना छोटा सोलर पैनल है, लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि सोलर पैनल भी है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो इसे तो मैंने कहीं से कबाड़ी से खरीदा हुआ है, तो ये मुझे वहां से मिला है। अब इसकी वोल्टेज की बात करें तो ये इसका वोल्टेज 1.5 से 2 वोल्टेज का ये सोलर पैनल है। अब इससे है ना हम थोड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर 1 वोल्टेज से लेके 12 वोल्टेज तक काम करने वाली मोटर, और यहाँ पर ही हमारे पास एग्जॉस्ट फैन, इसका वोल्टेज है 24 वोल्टेज, ये मैक्सिमम 24 वोल्टेज तक काम करती है। और ये है हमारे पास एग्जॉस्ट फैन दूसरा वाला, तो ये भी मैक्सिमम 5 वोल्टेज तक का है। तो हम इन तीनों को इन सोलर पैनल के द्वारा चला के देखने वाले हैं। तो गाइस अगर इन मोटरों को है ना और एग्जॉस्ट फैनों को ये सोलर पैनल चला पाते हैं तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए क्या ये चला पाएंगे। एक्सपेरिमेंट के साथ में आपको इनके वोल्टेज भी बताते चलेंगे। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस चीज़ को आप घर पर ट्राई मत करना, क्योंकि इसमें थोड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि करंट बाई चांस यहाँ पे DC है। हमें सभी चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता है, लेकिन कृपया इसे आप घर पर ट्राई ना करें। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। मैंने आपको बताया था ये 1.5 वोल्टेज से लेके 2 वोल्टेज तक का सप्लाई निकालती है, तो इससे हम अपनी छोटी मोटर को चलाते हैं। इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब सूर्य इधर है तो आप देख सकते हो ये मोटर हमारी नहीं चल रही है। इस सोलर पैनल के द्वारा अपनी जो छोटी मोटर है जो कम से कम 1 वोल्टेज तक लेती है, ये नहीं चल पा रही, तो इससे है ना ये नहीं चल पाएगी। तो क्यों ना इससे थोड़ा बड़ा सोलर पैनल यूज में ले। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर अभी इसको है ना मैंने सूर्य की तरफ बिल्कुल अभी पूरा भी नहीं किया, उससे पहले ही मोटर यहाँ पे चलने लग गई है। अब इसको मैं इधर करता हूँ तो आप देख सकते हो ये मोटर बिल्कुल स्पीड से चल रही है। आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा कि ये मोटर चल रही है। अब ऐसे ही हम इनको टेस्ट करते हैं, तो जोड़ते हैं। गाइस आप देख सकते हो ये इससे नहीं चल पा रहा है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं इससे, तो इसको हमें प्लस से जोड़ना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये भी नहीं चल पा रहा। हमारे पास काफी सारे सोलर पैनल है, तो इनसे धीरे धीरे करके टेस्टिंग करते हैं और हम लास्ट में इसकी टेस्टिंग करेंगे कि ये कितने वोल्टेज पर अच्छे से काम करता है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इस सोलर पैनल से मोटर भी चल चुकी है, अभी ये नहीं चल पा रही। अब हमारे पास है यहाँ पर एक अगला सोलर पैनल। अब देखो ये था 1.5 वोल्टेज का, ये है 3 वोल्टेज का, ये भी 3 वोल्टेज का है, ये है 6 वोल्टेज का। अब इसकी बात करें तो ये है 9 वोल्टेज का, तो ये हमारे को मैक्सिमम 9 वोल्टेज तक निकाल सकता है। तो की तरफ करते हैं इसको हिला नहीं थी चलना ये। तो गाइस आप देख सकते हो इससे है ना जो हमारी एग्जॉस्ट फैन है इस सोलर पैनल के द्वारा चल रही है। जो 5 सोलर पैनल है इनके द्वारा हमने इन फैनों को टेस्ट कर लिया। अब हमारे पास में है केवल 2 सोलर पैनल, वो भी बड़े वाले। तो और अब हम देखते हैं क्या इनसे भी ये और ये फैन चल पाता है। इसको थोड़ा उठा के देखते हैं क्या ये चलता है। वैसे आप देख सकते हो ये चलने लगा है। मैंने आपको बताया था इसमें देखो अभी कम से कम
15 वोल्टेज निकल रहा है, इस वजह से इसकी स्पीड है थोड़ी स्लो है। तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो लास्ट में बचा हुआ है सोलर पैनल, उसके द्वारा हम टेस्ट करते हैं क्या इसकी स्पीड मैक्सिमम हो पाएगी। तो गाइस इस सोलर पैनल को तो आप जानते ही होंगे, इस सोलर पैनल से हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। आपकी जो पिछले वाली वीडियो में आपको बताया भी था इसके द्वारा कौन कौन सी मोटरें चल सकती है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसको जैसे ही टच किया ये चलने लग गया, और अभी क्या है इसके ऊपर थोड़ी सी छांव पड़ रही है क्योंकि हमारे पास साथ में जो कैमरा मैन है इनकी वजह से थोड़ी छाई पड़ रही है। तो इनको मैं थोड़ा इधर बुलाता हूँ, इधर आ जाओ आप। इस सोलर पैनल के ऊपर पूरी धूप जा रही है और यहाँ पर हमारा एग्जॉस्ट फैन काम कर रहा है, वो भी फुल स्पीड से। अब इसको हम जोड़ देते हैं और फिर आपको इनके पीछे से आपको दिखाते हैं क्या ये फेक है या रियल है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारी प्लेट है जिसके अंदर कनेक्शन हो रखे हैं और ये सीधा वायर यहाँ से आके यहाँ पे इसके साथ मिला हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा खड़ा करके देखने वाला हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और साथ में आपको ये भी समझ में आया होगा जो सोलर पैनल होते हैं उनके द्वारा छोटी मोटरों, एग्जॉस्ट फैन या फिर छोटे मोटे उपकरणों को चलाया जा सकता है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।